शकीरा, मुझे क्यों बुलाया? मुझे मेरा पति जिगारो चाहिए। खतरनाक भूत जिगारो की कब्र के आसपास पहरा देते। कुछ तो उपाय होगा उन भूतों के चुगल से तेरे पति को बचाने का। है एक उपाय। क्या? तुम्हें तलाश करनी होगी कुछ ऐसे इंसानों की जो भूतों का खौफ ना खाते हो, जो भूतों से टक्कर लेना जानते हो। बच्चों आओ, ये है तुम्हारा नया नकली है। क्या कर रहा है? फोन है। सॉरी। ये जो बेवकूफी करते हो ना तुम लोग, ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो तुम लोग, यहाँ पे कर सकते हो ताकि हम तो घर में बचे रहे। जानू धनू, हमें तो कुछ ना हो। नहीं करते हुए दिया जी, अगर आपको लगता है जो हम काम करते हैं वो बेवकूफियां हैं तो हम ये काम छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। मैं तो ये कहना चाहता था कि एक खुश खबर देना चाहता हूं तुम लोगों को। क्या? मेरी जो आज तक मेरी सेक्रेटरी थी वो आज के बाद तुम्हारी सेक्रेटरी। तुम्हारे हर मिशन में तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी जी आपकी आवाज कितनी मीठी है। भूत सताए हमें बताए ऑफिस? नहीं, भूत सताए हमें बताए ऑफिस नहीं है, लैब है। जोक्स। तो अब आप आई गई है तो हम मजबूरी में आपका स्वागत करते हैं जी। आपका शुभ नाम? डायन। डायना नाम है मेरा। डायना नाम है। एनीवेज, कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? आइए ना, प्लीज आइए। जी एक्चुअली बात ऐसी थी कि मैं आपको एक स्टोरी। ये चेयर, अरे ये और तेज कर दिया। ये सब क्या है? अपने मेहमानों से इस तरह का सुलूक करते हैं आप लोग? नहीं, ओ, आप गलती से गलत चेयर पर बैठ गई थी। ये चेयर बैठने के लायक नहीं है। रहने दीजिए ना जी। वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है?
देखिए, दरअसल कल मैं और मेरे हस्बैंड रात को एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में जंगल था और अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरे हस्बैंड उसे ठीक करने के लिए उतरे कि तभी वहाँ भूतों का एक ग्रुप आ गया। हम मेरे हस्बैंड को पकड़कर एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया और वहाँ उन्हें जिंदा दफना दिया। मैंने उन्हें बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो भूत लोग मुझ पर ही झपट पड़े। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा कर निकली हूँ। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे केस समझ में आ चुका है। ओह, वेरी गुड। और हम ये केस सॉल्व करके ही रहेंगे। गुड। बहुत ही इंटेलिजेंट है ना दोनों। हाँ। मेरे भाई कदीज, देखिए मेरे हस्बैंड को भूतों के चंगुल से कैसे भी बचाना है। बस प्रीतम प्यारे, ये केस थोड़ा सा अलग है। इनके पति को भूतों के चंगुल से बचाकर यहाँ लाकर इन्हें डिलीवर करना है। बस इतना ही नजीजा जी। हाँ ठीक है ठीक है। क्या अरे देखिए प्लीज, आप लोग बात को समझिए, मेरे पति को जल्दी से बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होने पर तो वो भूत मेरे हस्बैंड को। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, आप रोइए मत, आप रोइए मत। देखिए आप लोग को जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप उनको बचा लीजिए। लेकिन अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए हम पैसों के लिए भी काम करते हैं। हाँ तो ले लीजिए ना, जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। ये पूरे पूरे पैसे ले लीजिए, सारे ले लीजिए, लेकिन उन्हें प्लीज बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मुझे तुमसे जरूरी काम है हतुबा, जागो हतुबा, जागो जागो हतुबा, जागो। दारा,
हतूबा जाग गया। तारा खुश, तारा खुश। मेरे मासूम हतूबा, मेरे नन्हे से हतूबा। हतूबा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हतूबा, बिहेव योरसेल्फ। तुम मेरे गुलाम हो, तुम मुझ पे गुर्रा नहीं सकते। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें गुड बॉय। मालिक, हम तो बोलता है इसको जिंदा ही क्यों किया? प्रीतम प्यारे से बदला लेने के लिए हम एक फौज बनाएंगे। फौज? कैसी फौज? भूतों की फौज। आज भूत अमावस है, हम पुराने कब्रिस्तान जाएंगे, वहां बॉडीज इकट्ठी करके उनमें जान डालेंगे, उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे और ऐसे बनेगी भूतों की फौज और लेंगे बदला प्रीतम प्यारे से। आपका काम हो जाएगा, आप जरा भी चिंता ना करें। ये प्रीतम और प्यारे जो है ना, आपके पति को भूतों के चंगुल से निकाल कर ले आएंगे। सच? हाँ बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। डोंट वरीज, मेरे भाई जो है ना बहुत ही टैलेंटेड है, वो आपके हस्बैंड्स को जरूर अच्छी तरह से वापस लेके आएंगे। एक ही है? हाँ, वो एक ही समझती हैं। हस्बैंड्स। आप जिस तरह यहाँ पे रो रो के आई है ना, उसी तरह आप हंस हंस के वापस जाएंगी। हाँ बस हमें रुला कर। सच? 100% सच। इसका मतलब सोने पे सुहागा। एक तरफ ये मेरे पति को आजाद भी करेंगे और दूसरी तरफ ये मेरे पति का आहार भी बनेंगे। मेरे वफादार शैतान साथियों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है। तारा, असली जंग तो अब शुरू होगी और हमें ये जंग हर हाल में जीतनी होगी, क्योंकि ये जंग हम शैतानों के वजूद को बचाने के लिए है और हम अपना वजूद मिटने नहीं देंगे, बल्कि इंसानों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। चलो। हतूबा, जब जिंदा था तब तो बात करता था, हाँ करता था। चलो चलो चलो। एक्साइटमेंट। प्रीतम प्यारे, ये है तुम्हारी नई सवारी। आज के बाद हर मिशन पर तुम इस जीप में बैठकर जाओगे। वाह जी, आगे से हर मिशन पर जीप हमारी होगी। सॉरी, जीत हमारी ही होगी। ओके ओके, थैंक यू। अरे भाईज, एक बात तो बताओ, तुम लोगों ने भूतों से फाइट्स करने के लिए अपना सारा सामान तो ले लिया है ना? हाँ दीदी, ये देखो, मैंने ये वैक्यूम क्लीनर लिया है ताकि भूतों का सफाया कर सकूं। रंगों से भरी पिचकारी रख ली है ताकि मैं भूतों के रंग उड़ा सकूं। ये वैक्यूम क्लीनर और ये पिचकारी से ये लोग भूत भगाएंगे? ये इनके वो गैजेट्स हैं जो इन्होंने बनाए, बड़ी मेहनत से बनाए हैं। ऐना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पति को ढेर करके ये लोग भूतों को सही सलामत ले आएंगे।
जानू? I'm sorry. भूतों को ढेर करके आपके पति को सही सलामत वापस ले आएंगे ये मेरे दोनों मिट्टी के शेर। अरे जाओ भाई जाओ। जाओ ना। आइए मेरी जी। आइए ना आइए। आइए बैठिए। आइए बैठ। नहीं इसका कहने का मतलब है बैठिए इसके पीछे मेरे साथ। नहीं नहीं आप आगे बैठिए मेरे साथ। नहीं नहीं मेरी जी आप मेरे साथ यहाँ पीछे बैठिए। आप आगे बैठिए। मेरी जी मेरे साथ पीछे बैठेंगी। आगे बैठेंगी। पीछे बैठेंगी। पीछे। अरे आगे। क्या क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? मेरी मेरी है। हाँ जानू। मेरी है जीप। मेरी है। मैं जाता हूँ वहाँ तुम लोगों को बैठना पड़ेगा। ऑब्वियस। हाँ यस। प्यारे तुम आगे आके बैठो मेरी तुम पीछे बैठो। ओके सर। देखिए प्लीज जल्दी कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि ये सब में भूत लोग मेरे पति को नुकसान पहुंचा दें। अरे आप चिंता ही मत कीजिए मेरे भाई साहब बहुत ही ब्रेव है वो आपके हस्बैंड को जरूर वापस लेके आएंगे। अरे निकलो। अरे हाँ ये मेरे पति को उन भूतों ने जिस कब्र में किडनैप करके रखा है उसी का नक्शा है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है प्रीतम। ओह सॉरी सॉरी। वाह क्या मस्त डिजाइन है ना मेरी जी आपके पति ने बनाया। सॉरी प्यारे। हाँ निकलो बेटा। हाँ जा रही जी जा रही चलो चलो। ऑल द बेस्ट। अब जाओ भाई। आपके पति को ये लोग ले आएंगे। थैंक्स लॉट। अच्छा जी चलो गोकी। बाय। वेल थैंक यू मैरी जी। आप कभी अपने आपको मेरा असिस्टेंट मत समझिएगा। वी आर फ्रेंड्स। तेरी तो आप बनी है मेरी तो मेरी जी पहले से ही दोस्त है। क्यों मेरी मेरी जी? सॉरी गलती से दो बार निकल गया। मेरी जी मेरे होते हुए आपको भूत टच भी नहीं कर सकता। हाँ टच नहीं करेगा वो तुझे निकल जाएगा ना और उस वक्त मैं मेरी जी को भूत के मुंह से निकाल कर लाऊंगा। भूत मुझे नहीं निकल सकता भूत मुझसे डरते हैं। अच्छा हाँ। सामने देख के गाड़ी चला। हाँ। कारा कोयला। कारा कोयला तो भी कोयला समझता क्या अपने आपको? सामने होता ना तो बुरा हाल कर देता मैं। और इस वक्त वो ठीक तुम्हारे पीछे हुआ तो प्रीतम प्यारे क्या हो रहा है? मैंने तुम दोनों की बहादुरी देखी है। हाँ इस वक्त ये सब डिस्कशन करने का वक्त नहीं है जल्दी चलो डायना के हस्बैंड को पकड़ना है। चलो अरे लेफ्ट नहीं राइट मिर्गी राइट। हाँ हाँ चलो लेफ्ट 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 मिर्गी राइट आगे देखो राइट नहीं बाबा लेफ्ट लेफ्ट मिर्गी राइट पूछ रहा हूँ। ओहो पैसे कैसे भूल गया मैं। अरे वो मिसेस डायन अपना पर्स यहीं भूल गई। मेरे मुंह से डायन क्यों निकल रहा है? मिसेस डायन अपना पर्स यहीं भूल गई। पैसे तो मेरे हैं लेकिन पर्स तो उनका है। नहीं दे देना चाहिए। तति पिति लुटिया होड़ तोरा मोरा हम्मा रतिया तोड़ता तुम्मा सति पिति लुटिया होड़ तोरा मोरा हम्मा त्रिपति रतिया तोड़ता तुम्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।